हेलो फ्रेंड्स, बॉक्स ऑफिस बोबाल रो आउ एक एपिसोड को वेलकम करुछी मु कृष्णा। सबु थर पर एथर भी मुझे आसीचे बॉक्स ऑफिस एवं फिल्म इंडस्ट्री किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आसन जानवा एथर वीकेंड रे रिलीज होता फिल्म रो ट्रेलर एंड टीजर, कारण टीजर देखा पर ही आम डिसाइड करवा कि फिल्म देखा कि ना। एथर वीकेंड रे आसी दुईटी फिल्म रो टीजर। फास्ट आम जानवा छाबार टीजर विषय। विके कौशल का अपकमिंग फिल्म छाबा पुष्पा टू पर आनी पारे बड़ चैलेंज, बिकज पुष्पा टू सह रिलीज होगा जाऊँ ये मूवी। आउ 19 अगस्त रिलीज हो छाबार टीजर। नाउ इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। क्या टीजर है यार। विके कौशल एस छत्रपति संभाजी महाराज एभली क्यारेक्टर करवा काफी मुश्किल। से भाइब्स से फिल्स क्रिएट करिबा समस्त पक्षे संभव नुहे। टीजर में एपरी भिजुआल्स रही आखिर पता पड़ पड़े। सिनेमाटोग्राफी सेट्स लाइट्स कॉस्ट्यूम एक्शन सह सबकि टॉप लेवल रही। एंड टीजर सबुठ सरप्राइजिंग मोमेंट थिला जितेबले औरंगजेब भूमिकार नजर आसिले अक्षय खन्ना। क्या लुक है। आई एम स्योर कि चिन्ह पारे नथिबे फर्स्ट लुक रे। हि इज अक्षय खन्ना। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन। भावंतु टीम केते रिसर्च एंड हार्डवर्क करिथिबे तांको स्टाइलिंग आउ मेकअप रे। एडिटर को भी हार्ट्स अप। एपरी टीजर कट करिछंती टेरिफिक टीजर। फिल्म रो डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर जे कि मिमी लुका छुपी जरा हटके जरा बचके परी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रो डायरेक्शन दे सारिछंती। एंड ए समस्त फिल्म डायरेक्शन वाइज बहुत भल थिला। एबे हिस्टोरिकल फिल्म रे तांको डायरेक्शन रो झलक देखिबा को मिलबो। एंड आई होप कि जेउ भले भाबे एहाकु प्रेजेंट करा जाउछि मूवी एहा थारु 10 पादे आगु छौ। बाकी हमरो हिस्ट्री तो हमकु जणा, किंतु एपरि फिल्म हेबा जरूरी होइ थाए जहा द्वारा हिस्ट्री समस्तको हृदय रे जीवंत रहि थाए। फिल्म कास्ट कथा कहिबाकु गले विक्की कौशल एवं अक्षय खन्ना आशुतोष राणा दिव्या दत्ता सुनील सेठी रहिछन्ते। फिल्म रो लीड रे अछन्ते रश्मिका मंदना आज यशुबाई। फिल्म टी अल्लू अर्जुन को मोस्ट वांटेड मूवी पुष्पा टू सह टक्कर देबो। खाली देखिबा को बाकी रहिला फिल्म केते सुपर हिट होछि। ए त थिला विक्की कौशल को छाबा। एबे आमे जानिबा करीना को द बकिंग हम मर्डर्स रो टीजर विषय। 20 अगस्त रे रिलीज होइछि करीना कपूर खान को सस्पेंस थ्रिलर द बकिंग हम मर्डर्स रो टीजर। फिल्म को डायरेक्ट करिछंती हंसल मेहता। ऑल्ट बालाजी प्रोडक्शन ने फिल्म टे निर्माण होई एंड करीना एहाकु को प्रोड्यूस मध्य करिछंती। फिल्म रो टीजर एको सस्पेन एंड थ्रिलर्स माहौल को रिप्रेजेंट करुछि। लीड रे अछंती करीना जे कि जणे डिटेक्टिव रोल प्ले करिछंती। जस्मत फर्मा तांको कैरेक्टर नेम जे कि जणे इंडियन ब्रिटिश डिटेक्टिव। रिसेंटली निजर पिला को हराइछंती। पिला को हराइबार दुखरु बाहरी नहंती तांको एको 10 वर्षर पिलार मर्डर केस दे जाइछि जहाँ बकिंगहम सिटी रे घटी। मूवी रे केस सॉल्विंग सह अनेक गुड़िया थ्रिलर एलिमेंट्स देखिबाक मिलिबो। आई होप कि मूवी टी रिमेक न हो, कारण करीना ऑलरेडी गोटे इंटरव्यू रे कहि सारिछंती कि तांको कैरेक्टर एको अमेरिकन टेलीविजन शो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन रो इंस्पायर्ड होछि। टीजर टी ठीक ठाक अछि। डिफरेंट कंटेंट गोटे आपनको देखिबाक मिलिबो। बाकी फिल्म रिलीज परे जणा पड़िबो कि एहा केते सक्सेस छि। ए त थिला फिल्म रो टीजर विषय। एबे आसन जानिबा बॉलीवुड रो किछि सॉन्ग बिसरे जहाकु शूटिंग करबा लागि पानी परी खर्च करा जाइछि टका। किछि तो हिट होइछि आउ किछि करि परिनि सेतेटा कम। बॉलीवुड रो टॉलीवुड जाय किछि वर्ष धरि आइटम सॉन्ग रो क्रेज बढ़ि चलिछि। गोटे टाइम थिला जेतेबेले कम फेमस थिबा हीरोइन माने ही आइटम सॉन्ग करूथिले। एबे समय बदलिछि, आइटम सॉन्ग रेस रे फेमस हीरोइन एथिपई डिमांड भी करूछन्ती हाइपे। आसन जानिबा आपणक फेवरेट आइटम सॉन्ग एंड एथिपई खर्च होइतबा टंका विषय। पार्टी ऑल नाइट 2013 रे रिलीज होइतबा अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हांको फिल्म बॉस रो पार्टी ऑल नाइट सॉन्ग जहां आज भी पार्टी एंड इवेंट रे सुनिबाकु मिले। एही गीतटी बॉलीवुड रो सबुठारु दामी गीत मध्यरु गोटे। फिल्म रे केवल एक गोटे गीत पाई खर्च होइथिला 6 कोटी टंका। मलंग सॉन्ग 2013 रे रिलीज करथिला आमिर खान कैटरीना कैफ स्टारर मूवी धूम 3। कैट ए फिल्म रे फर्स्ट टाइम आमिर खान को सह स्क्रीन शेयर करथि।
ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଏହାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସଙ୍ଗ ମଲଙ୍ଗ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ରେ ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଲାଗି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଠାଁ କରକେ 2008ରେ ରୋହିତ ସେଠୀଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୋଲମାଲ ରିଟର୍ନ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଗୀତ ଠାଁ କରକେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ରୋହିତ ସେଠୀ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସଟରଡେ ସଟରଡେ ସଙ୍ଗ 2014ରେ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା ଆଲିଆ ଭଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବରୁଣ ଧୱନ ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ହମ୍ପଟି ଶର୍ମା କି ଦୁଲ୍ହନିଆ। ଏଥିରେ ବରୁଣ ଆଣ୍ଡ ଆଲିଆଙ୍କ ଗୀତ ସଟରଡେ ସଟରଡେ, ଯାହା ଏକ ପାର୍ଟି ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ରେଡି କରାଯାଇଥିଲା। ରାମ ଚାହିଲିଲା 2013ରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକନଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ରାମଲୀଲା ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ଏଭ୍ରି ସଙ୍ଗ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା ରାମ ଚାହିଲିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗଟି ବହୁ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଦିବାନା। ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ରଖିଥିଲେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍। ସେପରି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ମୁଭି ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଉଁ ଅଟୱା ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୀତଟିକୁ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ୱେଲ୍ ଫିୟର୍ସ, ଏ ତ ଥିଲା ଏ ସପ୍ତାହର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହାଲଚାଲ। ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଏପିସୋଡ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। We'll be right back.